नमस्कार दोस्तों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 641वीं जयंती पर बसपा सुप्रियो मायावती की तरफ से आया बड़ा बयान। जी हां मित्रों, आपको दादे की बहन जी ने अभी अभी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी लोगों को मन चंगा तो कठौती में गंगा का अमृत आध्यात्मिक संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन व श्रद्धा सुमन अर्पित तथा देश एवं दुनिया में रहने वाले उनके समस्त अनुयायियों को मेरी व बीएसपी की ओर से भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही बहन जी ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि शासक वर्ग भी संत गुरु रविदास जी को अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर केवल उनको माथा टेकने का कार्य न करे, बल्कि साथ ही उनके गरीब व दुखी पीड़ित अनुयायियों के हित कल्याण एवं उनकी भावनाओं का भी खास ख्याल रखे, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। तो बहन जी ने यहाँ पर आपको बता दें कि रविदास जयंती की सभी देश भर के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी। साथ ही सरकार पर निशाना साधते कहा कि केवल उन पर उनके नाम से राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय उनके अनुयायियों के लिए आपको बता दें कि काम करें, उनके अनुयायियों को सरकार हित में काम करने चाहिए, इस तरीके की बात बहन जी ने बोली है। आप भी कमेंट करके सतगुरु रविदास जी की जयंती की बधाई जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।